अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अब साधु संतों की सर्वोभव संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा को मुक्त कराने का बड़ा ऐलान कर दिया है। काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए हिंदूवादी संगठन RSS और VSP से भी सहयोग मांगा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की श्रीमठ बागमरी गद्दी में हुई इमरजेंसी बैठक में साधु संतों ने सर्वसम्मति से कुल 8 प्रस्ताव पास किए हैं। इस बैठक में अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा को भी मुक्त कराने के लिए रणनीति तैयार की गई है और अब काशी और मथुरा को स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंपने की अखाड़ा परिषद ने अपील की है। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा की मुक्ति के लिए RSS VSP से अखाड़ा परिषद समर्थन भी मांगा है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए VSP और RSS के साथ ही अन्य हिंदूवादी संगठनों की मदद से बड़ा अखाड़ा परिषद आंदोलन खड़ा करेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आम सहमति न बनने पर संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई जाएगी। वहीं प्रयागराज में जनवरी में होने वाले माघ मेले पर रोक न लगाने की अखाड़ा परिषद ने सरकार से अपील की है और केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हो माघ मेले का आयोजन करने की बात कही है। अखाड़ा परिषद ने माघ मेले में संस्थाओं पर रोक लगाकर संत महात्माओं को और कल्पवासियों को स्थान देने की मांग भी की है। प्रयागराज की परिक्रमा की परंपरा में इस बार कम संख्या में साधु संत शामिल होंगे। बढ़ते लफ जिहाद के मामले में CM योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई के लिए अखाड़ा परिषद ने CM योगी को धन्यवाद भी दिया। महान नरेंद्र गिरी ने कहा है कि UP में योगी की सक्षम सरकार है और UP में मुस्लिम बाहुल इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में साधु असुरक्षित हैं और उनकी हत्याएँ हो रही है। पालघर की घटना की CBI से जांच की कराने की मांग भी की गई है। इस बैठक पर अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और सचिव हरि गिरी के अलावा सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे हैं। प्रयागराज में श्रीमठ बागमरी गद्दी में कोरोना की गाइडलाइन के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया है। प्रस्ताव पास किया गया है बहुत जोर द्वार सभी इसके समर्थन से कि काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। इसी तरह से मथुरा में जो मकबरा है वो भी हिंदुओं की तोड़ के बनाई गई है। इन दोनों को मुक्त कराने का निर्णय हम लोग किए हैं और सभी हिंदू संगठनों से मिलकर जैसे विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं संघ है और जो हिंदू संगठन है उनके साथ मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल ये दोनों स्थान मुक्त होंगे और सारे हिंदू संगठन एक साथ होकर किसकी लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? न्यायपालिका पे जो कानूनता है उसमें जाएंगे। पहला प्रयास करेंगे आम सहमति। हम तो सभी मुसलमान भाई उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग आगे आवें, पहल करें कि ये स्थान आप लोगों का है, आप लोग लीजिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने गलती की है ये मुसलमान कहें युवा गलती हम लोग सुधार रहे हैं। मंदिर तोड़ करके जहाँ मस्जिद बनाई गई, जहाँ मकबरा बनाया गया वो अशुद्ध है। इसलिए हे हिंदू भाइयों लोग, ये आप लोग इसको संभालें। पहला से प्रस्ताव ये रहेगा, लेकिन यदि नहीं सहमति बनती है तो न्यायपालिका, जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए गए लोग, तो न्यायपालिका निर्णय सर्वमान्य होता है, जो निर्णय करेगा वो मानेगा। अच्छा, संगम की रेती पर माघ मेला लगता है जी, उसके लिए निर्णय हुआ है कि सरकार की गाइडलाइन जो है कि उसका हम लोग पालन करेंगे, सभी संत महात्मा या सब कल्पवासी सभी श्रद्धालु, लेकिन सरकार इससे रोक नहीं लगावे, मेला करावे, इसलिए कि क्लब वासियों का पूरा एक तरह से एक साल में प्रतीक्षा करते हैं और क्लब वासियों का क्रम होता है 12 साल का लगातार क्रम होता है, वो क्रम टूट जाएगा तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग निवेदन करते हैं कि माघ मेला कराएं। हाँ, जो आपकी गाइडलाइन है हम लोग उसको पूरी तरह से पालन करेंगे और कराएंगे। हरिद्वार कुंभ के लिए ये हुआ है कि वहाँ पे हरिद्वार कुंभ चूंकि बैठक वहाँ होने वाली थी, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए बैठक यहाँ बुलाई गई, तो हरिद्वार में तीनों अनियाओं के जमीन देने की बात हुई है और जो उनके मंदिर बनाए गए वो तोड़े न जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं श्री महंत हरि गिरी उनको दिया गया है। वह मुकदमा लड़े, ये संस्था का नियम होता है कि महामंत्री सारे मुकदमा जो न्याय का कार्य होता है वो करते हैं, तो आज उनको मोहर मारकर दी गई कि आप इसको लड़िए और हम लोग सब आपके साथ में हैं, ये आज लड़े हुआ है। और देखिए,
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कभी भी उग्र नहीं होती है, संविधान में रह करके के दायरे में रह करके बात करती है, काम करती है। हम लोग अपनी मर्यादा के विपरीत कोई काम नहीं करते हैं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि एक बार इन दोनों जगहों के लिए आम सहमति का बना प्रयास किया जाएगा। एक निर्णय प्रस्ताव हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ लोग सुनियोजित तरीके से दंगा करा करके हमारे हिंदुओं को हटाना चाहते हैं, वह सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली में जब हम लोग अपना एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए थे तो वहाँ दंगा कराया गया, और ये जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ दंगा करा देते हैं ताकि जो हिंदू कम है वहाँ छोड़ जाएं, ये लोग वहाँ कब्जा कर लें, ये नहीं हो पाएगा। ये सरकार अब वो सरकार नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, न्याय करने वाली सरकार है। इसलिए जो लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं उनका पूरा नहीं होगा। लव जिहाद का भी यहाँ पास हुआ है, विरोध किया गया है। लोग तमाम मुसलमान जो हैं कभी हिंदुओं का नाम लेकर के हमारी माताओं बहनाओं को भड़का करके हम शादी कर लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको जबरन धर्मांतरण कराते हैं, ये भी गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है सभी संतों की सराहना की। साधुओं की सुरक्षा को लेकर के देखिए, साधु कहीं असुरक्षित नहीं है, यूपी में तो बिल्कुल असुरक्षित नहीं है। अगर साधु सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र बाल घर घटना आपको याद है, जिस तरह संत महात्माओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, यह घटना और किसी प्रांत में नहीं हुई है। इसकी घटना की हम लोग सीबीआई जांच पहले कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। साधु महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, वहाँ की सरकार हिंदूवादी उनके पिताजी थे, लेकिन उनके पुत्रों ने कुर्सी बस जो समझौता कर लिया, अब हिंदूवादी नहीं है वो, तो साधु महात्माओं की हत्याएं वहाँ हो रही हैं, इससे वहाँ की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। प्रस्ताव लगभग 7-8 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन जो मुख्य प्रस्ताव है बता दिया। एक घंटा लगेगा उसके बाद आप लोग चाय पानी कर ले बाहर बैठ करके। जी